Praise the name of the Lord. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord God of Israel. We bless you, glorious King of Israel. We bless you, glorious King of Israel. We magnify your name. Hallelujah. Exalt you, glorious King of Israel. Bless you and praise you and magnify you. Bless you and praise you and magnify you. Bless you and praise you and magnify you. Hallelujah. Jesus of Nazareth, we bless you. Lord, we praise you, praise you, praise you, exalt you. Lord, we magnify you, we bless you, bless you, bless you, bless you. Excuse me. Lord Jesus, we bless your name. Lord Jesus, we praise your name. King of glory, we exalt you, exalt you, exalt you. Hallelujah. We magnify you, the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Hallelujah. 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 Bless you, bless you. Bless you, bless you, bless you, bless you, bless you. Thank you, Jesus. Lord, we bless your name this morning. We pray, Lord, for your glorious presence to come upon us. Jesus, I call upon your blood. Lord, I bathe my soul in the blood of the Lamb. I bathe my spirit and my flesh in the blood of the Lamb. And Lord, being your priest, I sprinkle your blood over everyone that is listening to the voice of your servant and those who will listen to the voice of your servant. For verily, this is not the voice of man. This is your voice, Lord. For I speak not my words, I speak your words. Hallelujah. So Lord, that your Holy Spirit will bring this great revelation into our hearts. Praise your name, Lord. I give you glory. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Hallelujah. मैं कल travel कर रहा था और पूरा दिन हम उपवास में ministry कर रहे थे और रात को I think 3:30 में सोया हूँ और almost 3.5 hours के बाद मैं उठ गया प्रभु की कृपा से. प्रभु का धन्यवाद हो. मैं एक छोटी सी वीडियो क्लिप किसी की मैंने 30 seconds की सुनी जिससे मैंने ये एक्चुअली मैसेज आपको देना चाहा, जिसकी वजह से मैं डीएनए के ऊपर, द वंडर ऑफ डीएनए, उसे हम कंटिन्यू करेंगे और उसकी और गहराई में जाएंगे, डीएनए एंड द वर्ड ऑफ द लॉर्ड. लेकिन मैं उसको अभी रोक रहा हूँ क्योंकि मेरे हृदय में आया कि इस सब्जेक्ट को हमें एड्रेस करना चाहिए. तो कोई प्रचारक ये कह रहा था कि अगर लोगों को मसीह में आने के बाद उनके जीवन में स्पिरिट वर्ल्ड से कुछ ऐसा एनकाउंटर होता है तो ये लानत वाली बात है. तो मैं बताना चाहता हूं कि वो पर्सपेक्टिव सही नहीं है, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड की, आत्मा की दुनिया की सही शिक्षा नहीं है लोगों के पास. तो मैं चाहता हूं आप बड़े ध्यान से कानों को खोल के और दिल को भी खोल के और अपनी इंटेलेक्ट को भी खोल के इस वचन को ग्रहण करना है.
स्पिरिट वर्ल्ड, रूहानी दुनिया, द रेलम ऑफ द स्पिरिट, ये क्या है, इसके विषय में मैं आपको कुछ गहरी बातें बताना चाहता हूं। स्पिरिट वर्ल्ड का, आत्मा की दुनिया का, हम जो खुदावंद यीशु मसीह के कलाम के वसीला और रूल कुद्दस पाखरू के वसीला नई मखलूकात, न्यू क्रिएशन, नई सृष्टि बने हैं, हमारे जीवन पे इसका क्या असर होता है? कलाम क्या बताता है? किसी मनुष्य की ओपिनियन मैटर नहीं करती। वी हैव टू गो डायरेक्टली टू द वर्ड ऑफ द लॉर्ड, प्रभु के कलाम में और रूट्स में जाना है समझने के लिए कि परमेश्वर के कलाम की सच्चाई असल में है क्या। दिस इज अ वेरी डीप सब्जेक्ट, लेकिन मैं आपके साथ ये बांटना चाहता हूं। और ये ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसे मोस्टली प्रीचर हैंडल नहीं करते हैं, तो सुनिए ध्यान से। अगर हम ओरिजिनल टेक्स्ट में, हिब्रू में और ग्रीक में स्टडी करते हैं स्पिरिट वर्ल्ड की, तो न्यू टेस्टामेंट क्या बताता है, सुने ध्यान से। न्यू टेस्टामेंट बताता है अनक्लीन स्पिरिट्स हैं, अशुद्ध आत्माएं हैं, अकार अकाथर्टोस, अकाथर्टोस स्पिरिट्स, अकाथर्टोस न्यूमा। स्पिरिट को यूनानी भाषा में, ग्रीक में, इन ग्रीक यू कॉल द स्पिरिट न्यूमा एंड इन हीब्रू यू कॉल द स्पिरिट रूहाक। इन ग्रीक यू कॉल द स्पिरिट न्यूमा एंड इन हीब्रू यू कॉल द स्पिरिट रूहाक। रूहाक मीन्स द ब्रेथ, द ब्रेथ दैट यू इनहेल एंड द ब्रेथ दैट यू एक्सहेल। एंड वेरी प्रिसाइजली इवन इन द ग्रीक द सेम कॉन्सेप्ट इज ट्रांसलेटेड इन टू द कोइने ग्रीक। न्यूमा इज एक्चुअली द ब्रेथ, न्यूमा इज समथिंग दैट कनेक्ट्स टू योर लंग्स। You know the disease of lungs is called pneumonia. It is concerning your breath, and the Greek word for spirit is pneuma. So akathartos, unclean spirit, planos pneuma, seducing spirit, and oob, familiar spirit. तो सुने ध्यान से, अकाथर्टोस अनक्लीन स्पिरिट है, प्लेनोस न्यूमा सिड्यूसिंग स्पिरिट है। ये सिड्यूसिंग स्पिरिट क्या है? दिस सिड्यूसिंग स्पिरिट गेट इनटू योर माइंड, इनटू योर सोल, दे मैनिपुलेट योर ब्रेन। दीज आर कंपल्सिव स्पिरिट्स और फेमिलियर स्पिरिट्स क्या है, जिसे हम भावी आत्मा कहते हैं। दीज आर ऑल स्पिरिट्स दैट आर कनेक्टेड टू विचक्राफ्ट, सॉर्सरी, इट दे आर कनेक्टेड टू क्लेयरवॉयंस, दे आर कनेक्टेड टू नेक्रोमेंसी, दे आर कनेक्टेड टू फॉर्चून टेलिंग, दे आर कनेक्टेड टू डिविनेशन, जादूगरी, टूना, शगुन अपशगुन और अंधकार की जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं उसके संग ऊब फेमिलियर स्पिरिट, भावी आत्मा, जो आत्माएं आपको बताती हैं बातें, गहरी बातें, छिपी बातें बताती। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, टर्न टू लेविटिकस, लेवी व्यवस्था, टर्न टू लेविटिकस एंड लेवी व्यवस्था निकालिए और उसका 20 अध्याय, लेविटिकस चैप्टर नंबर 20 एंड लेट्स रीड The 27th verse, Leviticus 20 and 27. सुने ध्यान से, लेवी व्यवस्था 20 का 27 क्या कहता है, सुनिएगा। A man or a woman who is a medium or a necromancer shall surely be put to death.
They shall be stoned with stones, their blood shall be upon them. कोई औरत हो या कोई मर्द हो, कौन सा रूह हो, हिब्रू में क्या लिखा है, ऊब ऊब जिसके अंदर ऊब का रूह हो, जो आत्मा भविष्य की बातें बताता हो, जो आत्मा किसी के क्रेडिट कार्ड का नंबर बता दे, जो आत्मा किसी की गाड़ी की नंबर प्लेट बता दे, जो आत्मा किसी के बैंक, हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। इंटरनेट थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, हालेलुया, प्रभु से प्रार्थना करें दैट वी हैव अ स्मूथ सेलिंग इन द नेम ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया। हम वंडर ऑफ डीएनए जो सब्जेक्ट है, बहुत डीप है, उसे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो रूह है ऊब, ऊब के रूह के ऊपर भी मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा, हालेलुया। तो मैंने आपको कैटेगरीज बताई है स्पिरिट की, अकाथर्टोस अनक्लीन स्पिरिट, अकाथर्टोस न्यूमा, प्लेनोस न्यूमा, ऊब रूहाक, ये तीन तरह की स्पिरिट है, तीन कैटेगरीज हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल में अलग अलग हिब्रू में और ग्रीक में उन रूहों के नाम क्या है, सुनिए ध्यान से। बाइबल बताती है एक स्पिरिट ऑफ पाइथन है, एक अजगर का रूह है, स्पिरिट ऑफ पाइथन। तो पाइथन का रूह क्या है, सुनिए आप मेरे संग चलिए प्रेरितों के काम में, एक्ट्स ऑफ द अपोसल्स, प्रेरितों के काम उसका आप पढ़िए, 16 अध्याय में आइए, प्रेरितों के काम, एक्ट्स ऑफ द अपोसल्स, टर्न अप टू चैप्टर नंबर 16, 16 अध्याय में, हालेलुया। मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा, पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगा, 16 के 16 से पढ़ें। तो यहां पे लिखा है, एज वी वर गोइंग टू द प्लेस ऑफ प्रेयर वी वर मेट बाय अ स्लेव गर्ल हु हैड ए स्पिरिट ऑफ डिविनेशन, हालेलुया। यहां पे लिखा है, प्रेरित पौलुस कहता है, हम प्रार्थना के लिए जा रहे थे, हमें एक गुलाम लड़की रास्ते में मिली जो पोजेस थी, किससे, स्पिरिट ऑफ डिविनेशन से। पोजेस के लिए ग्रीक वर्ड है एको, एको, ECO, एको, एको का मतलब इन द टोटल ग्रिप ऑफ, ग्रिप्ड बाय, एक लड़की है जो ग्रिप में है, किसके, एक स्पिरिट ऑफ डिविनेशन। सुनिएगा ध्यान से, ये लड़की एक ऐसी आत्मा के ग्रिप में है, पोजेस्ड, एको, एको ग्रीक वर्ड है, एको, कौन सी स्पिरिट है यहां पे, क्या ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है पुथोन न्यूमा, पुथोन न्यूमा, सुने ध्यान से, ये कौन सी स्पिरिट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, पुथोन न्यूमा, ये है पाइथन का रू, ये अजगर की आत्मा है, हालेलुया, ये इस लड़की को इसने पोजेस किया, एको किया हुआ है, पूरी तरह अपने कब्जे में लिया हुआ इस लड़की को, स्पिरिट का, आत्मा का नाम है न्यूमा पुथोन, अजगर का रू है ये, और इसके द्वारा ये लड़की क्या करती है, यहां पे लिखा है फॉर्चून टेलिंग करती है, वो भविष्य की बातें बताती है, वो गैब की दुनिया की, छिपी हुई दुनिया की गहरी बातें बताती है, और जिन मालिकों ने इस लड़की को रखा है ये बहुत सारा पैसा उन्हें कमा के देती है। स्पिरिट ऑफ डिविनेशन अंग्रेजी में लिखा है, लेकिन ग्रीक वर्ड है न्यूमा पुथोन, पुथोन न्यूमा, पुथोन का रूह है, अजगर का रूह है इस लड़की के अंदर, और ये क्या करता है, फॉर्चून टेलिंग, मेंट्यूमाए, मेंट्यूमाए ग्रीक वर्ड है, मेंट्यूमाए, मेंट्यूमाए का मतलब भविष्य की बातें बताना, लोगों की जेब में पड़े क्रेडिट कार्ड का नंबर बता देना, लोगों की कार का नंबर प्लेट बता देना, लोगों के घर की लेन बता देना, स्ट्रीट नंबर बता देना, जैसे कई पादरी भी कर रहे हैं, खास करके अफ्रीका के,
तो कौन सा रू है ये? न्यूमा पुथोन, ये अजगर का आत्मा है। तो देखिए क्या करती है, शी फॉलोड पॉल एंड अस क्राइंग। पॉल एंड अस का मतलब ये लूक लिख रहा है, लूका, तो अपने आप को अस लिख रहा है। ये ग्रुप है खुदा के खादमों का जो रोज निकलता है वहां से। ये लड़की चिल्लाती है, क्या कहती है, दीज मैन आर सर्वेंट्स ऑफ द मोस्ट हाई गॉड हु प्रोक्लेम यू द वे ऑफ सल्वेशन। ये जो लोग हैं एल लियोन, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी कोई स्पिरिट परमेश्वर के दासों को पहचानेगी, जब भी कोई स्पिरिट खुदा के सच्चे बंदों को पहचानेगी, तो वो क्या कहेगी कि ये जो बंदे हैं ये किसके खादिम हैं? वो परमेश्वर को किस नाम से पुकारेगी बदरू? एल लियोन के नाम से। मैंने आपको कई बार बताया, स्पिरिट वर्ल्ड में, आत्मा की दुनिया में, आत्मा जो स्पिरिट एंटिटी हैं, रूहें अच्छी या बुरी, बदरूहें जो हैं, वो सब यहोवा पिता को एल लियोन कहती हैं। एल लियोन का मतलब है द मोस्ट हाई गॉड, सर्व उच्च, सबसे महान परमेश्वर। हालेलुया। वो ये नाम से और ये बदरूहें, ये बदरू जो है लड़की के अंदर, ये पलूस, लूक और जो खुदा के और खादम संघ में है, शायद साइलस है, इनका क्या करती हैं? बड़ा प्रचार कर रही हैं, बहुत प्रचार कर रही हैं, इनके बारे में बढ़िया बढ़िया बातें बोल रही। आज कई झूठे नबी हैं, कई ऐसे प्रचारक हैं जो सभाओं के अंदर दुष्ट आत्माओं से जकड़े लोगों को स्टेज पे लाके उनसे पूछते हैं, बदरू से पूछते हैं, बताओ आप मेरे में आग देख रहे हो, क्या देख रहे हो? तो बदरू बोलती है, तुसी ते पास्टर जी आगो, तुहाडे पासे ते आग ही आग है। वो बदरुओं से अपनी पब्लिसिटी करवाते हैं, बदरुओं से, दुष्ट आत्माओं से चीप पब्लिसिटी करवाते हैं। ये जो स्पिरिट है, दिस इज पुथोन न्यूमा, द ग्रीक वर्ड इज पुथोन न्यूमा, दिस इज द स्पिरिट ऑफ द पाइथन, दिस इज द स्पिरिट ऑफ द पाइथन। दिस स्पिरिट, व्हाट डज दिस स्पिरिट डू? मेंट्यूमाय, दिस स्पिरिट डज द मेंट्यूमाय, दिस स्पिरिट इज द स्पिरिट ऑफ सूद सेइंग, दिस स्पिरिट इज द स्पिरिट ऑफ फॉर्च्यून टेलिंग, दिस स्पिरिट इज द स्पिरिट ऑफ टेलिंग पीपल योर क्रेडिट कार्ड नंबर, योर name, the name, the number plate of your car, your street and your lane number, the color of your gate, you know, ऐसी बातें बताती हैं रूहें जो सनसनी पैदा करती हैं और लोग भीड़ की भीड़ अट्रैक्ट हो जाती है। और ऐसा नहीं कि ये जो पुथोन न्यूमा है, अगर 20,000 लोग बैठे हैं, 20,000 में से 20,000 लोगों की डिटेल देगी, ऐसा नहीं करते ये आजकल के फॉल्स प्रॉफिट, केवल एक या दो लोगों को सिंगल आउट करते हैं और बाकी के जो हजारों लोग हैं वो वैसे ही मेसमराइज हो जाते हैं एक दो लोगों की बातें सुन के। तो दिस इज कॉल्ड द स्पिरिट ऑफ पाइथन, पुथोन न्यूमा। हालेलुया। ये भाई और बहनों, ये स्पिरिट चर्च के अंदर काम कर रही है, कई सो कॉल्ड प्रॉफिट के अंदर ये रूह काम कर रही है, पुथोन न्यूमा, नॉट नेसेसरली द होली स्पिरिट। You have to discern, आपको आत्मा में सजग रह के पहचानना है उन आत्माओं को। इसीलिए प्रभु का दास प्रेरित पौलुस कहता है, हे प्रियो, सभी आत्माओं को परखो, टेस्ट द स्पिरिट्स, टेस्ट द स्पिरिट्स। पॉल और लूक और खुदावंद की ये जो खादिम हैं, इनको बदरुओं से चीप पब्लिसिटी नहीं चाहिए। वो क्या कहते हैं, यहां पे लिखा है टेंथ, यहां पे लिखा है आप 18th वर्स पढ़ेंगे, 16-18, एंड दिस शी केप डूइंग फॉर मेनी डेज, पॉल हैविंग बिकम ग्रेटली अनॉयड टर्न्ड एंड सेड टू हर। ओरिजिनल ग्रीक, हालेलुया, आई अपोलोजाइज फॉर द वीक इंटरनेट कनेक्शन, इट्स ब्रेकिंग इन एंड आउट। तो सुनिए ध्यान से, पॉल और खुदावंद के ये खादिम जिसमें लूक शामिल है वहां से गुजरते हैं और ये लड़की डेली ये काम करती है। तो पॉल ने इस बदरू से जकड़ी, पुथोन न्यूमा से जकड़ी लड़की के द्वारा की गई पब्लिसिटी को एनकैश नहीं किया कि हम कितने बड़े खादम हैं, कितना जबरदस्त खुदा का रूह हमारे अंदर काम करता है, बल्कि लिखा पॉल वॉज ग्रीव्ड इन द स्पिरिट। यहां पे ESV में लिखा ग्रेटली अनॉयड, उसने क्या किया, यहां पे लिखा है एंड सेट टू द स्पिरिट, आई कमेंड यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस,
to come out of her, and it came out that very hour. जैसे उसने कमांड किया, झिड़का उस बदरू को, उसी समय लड़की में से बदरू निकल गई. कौन सी स्पिरिट? पुथोन न्यूमा. सुनिए ध्यान से, प्रेरित पौलुस के अंदर प्रेरित पौलुस ने इस बदरू को झिड़का. प्रेरित पौलुस ने उस बदरू की चीप पब्लिसिटी को अवेल नहीं किया, झिड़का और वो बदरू निकल गई. क्योंकि पॉल ग्रीव हुआ अपनी स्पिरिट में. वजह क्या थी कि ये जो लड़की थी जिसके अंदर बदरू थी, पुथोन न्यूमा, वो उनकी पब्लिसिटी कर रही थी. तो आप देखिएगा ध्यान से, ये जो पाइथन का रू है, पुथोन न्यूमा है, जब पॉल ने और पॉल के संग खुदा के बंदों ने इस स्पिरिट को कन्फ्रंट किया और इस स्पिरिट को निकाल दिया, डिसलॉज कर दिया, उसके बाद इस स्पिरिट ने बहुत भयंकर काम किया पौलुस और उसके साथियों के खिलाफ. ये आत्मा लोगों के अंदर घुस गया और इस आत्मा ने लोगों को भड़काया और भीड़, मॉब पॉल और उसके साथियों के खिलाफ खड़ी हुई और उन्हें पकड़ लिया गया, मजिस्ट्रेट के आगे पेश किया गया, मारा गया, उन्हें पीटा गया और उनको फिलिपियन जेलर के हवाले किया गया. दिस ऑल इज हैपनिंग इन द रीजन ऑफ फिलिपाई, जहां पे फिलिपियों की कलीसिया की स्थापना की गई बाद में. तो पौलुस और सिलास, क्योंकि उन्होंने पुथोन न्यूमा, ये जादूगरी वाली रूह, टूना करने वाली रूह, लोगों को भविष्य की बातें बताने वाली रूह, लोगों के क्रेडिट कार्ड का नंबर पढ़ने वाली रूह, लोगों की गाड़ी की नंबर प्लेट बताने वाली, आ रहा हूं काले रंग का तेरे गेट है, तेरा नंबर ये है, तेरा फलाना वो है, डिमका वो है, ये रूह है पुथोन न्यूमा. इस रूह को जब पौलुस ने निकाला, ये बहुत डेंजरस रूह है. इसने उनका विरोध किया खुदा के बंदों का और इंसर्जेंसी स्टरअप कर दी उनके खिलाफ. मॉब के अंदर घुस गई, भीड़ के अंदर, भीड़ को उकसा दिया पौलुस और सिलास के, और उनको पकड़ा गया, जेल में ड्रैग किया गया और मारा गया. और कहां पे डाल दिया गया? फिलिपियन जेल के अंदर डाला गया. उनके पांव को स्टॉक में, हाथों को जंजीरों से बांध दिया गया. वो दिन भर खिदमत कर रहे थे खुदावंद की, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे, खुदावंद के बादशाही को फैला रहे थे, और उनको मार मिली, सताव मिला, जेल मिली. आधी रात के समय पौलुस और सिलास क्या कर रहे हैं जेल के अंदर? वो खुदावंद से कंप्लेन नहीं कर रहे, मरमर नहीं कर रहे, शिकायत नहीं कर रहे, वो खुदावंद जी हम तो आपका काम कर रहे थे, हमने तो बदरू को निकाला. उन्हें मालूम है स्पिरिचुअल वॉरफेयर का. पॉल एंड साइलस नो दैट द डीमंस दैट दे कन्फ्रंटेड, दैट द स्पिरिट ऑफ पाइथन दैट दे डिसलॉज्ड आउट ऑफ द गर्ल इज स्टरिंग अप द मॉब, इज द वेरी कॉज ऑफ द प्रोसिक्यूशन दैट इज ब्रोकन आउट अगेंस्ट देम. पौलुस सिलास को मालूम है कि ये बदरू है जिसकी वजह से ये सताव उनके ऊपर आया है, और वो जेल के अंदर उनको मारा कूटा गया था, वो दिन भर टॉर्चर किए गए थे. वो जेल के अंदर आधी रात के समय क्या कर रहे हैं? हालेलुया. सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा. वो यीशु मसीह की स्तुति कर रहे हैं. पॉल एंड साइलस इनसाइड द जेल, they are worshipping the Lord, they are singing praises unto him, they are not murmuring and complaining, they are not living, they are not even focusing on their present scenario, the bad situation they found themselves in, because they confronted Puthon Numa, because they cast out the spirit of Python out of the girl, but they are worshipping and rejoicing in the Lord. ऐसे भाई और बहनों, हमें परमेश्वर की स्तुति और आराधना और परस्तिश में रहना है. हालेलुया. इन जो स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर जो बदरुए हैं, स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर जो एंटिटीज हैं, इनके ऊपर आप रूल करें, रेन करें, उसकी एक कुंजी क्या है? वॉइस इज ब्रेकिंग. मेरी आवाज़ आ रही है आपको? प्लीज बताइए, कैन यू ऑल हियर मी? आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? प्लीज से यस. अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, प्लीज से यस. आपको मेरी आवाज आ रही है तो यस लिखिएगा प्लीज.
मुझे बताइए आपको मेरी आवाज़ साफ सुनाई दे रही है? हालेलुया। प्लीज़ मैसेज लिख दीजिए, यस लिख दीजिए प्लीज़। हालेलुया। सुनिए ध्यान से, तो ये जो पाइथन न्यूमा है, इट्स अ वेरी डेंजरस स्पिरिट। अब मैं आपको एक और बाइबल में से ब्रेक ब्रोकन वॉइस, विनोदनी क्रिश्चियन इज सेइंग ब्रोकन वॉइस। हालेलुया। एक सेकेंड होल्ड करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। अभी मेरी आवाज साफ सुनाई दे रही है या मेरी आवाज ब्रोकन है? हालेलुया। मुझे घर से बाहर जाना पड़ेगा शायद। हालेलुया। सही आवाज सुनाई दे रही है? प्लीज बताइए। ओके, सुनिए अब ध्यान से। हालेलुया। एक और वचन मैं आपको देना चाहता हूँ। हालेलुया। सैमुएल की किताब, फर्स्ट सैमुएल, पहला सैमुएल, उसका 28 चैप्टर, फर्स्ट सैमुएल चैप्टर नंबर 28। सुनिएगा, पहला सैमुएल 28 अध्याय, फर्स्ट सैमुएल 28। और मैं बताता हूँ आपको, आपको लेके चलता हूँ 8th वर्स पे। आप सभी जानते हैं, है? आ रहा गरम। आप सभी जानते हैं ये स्टोरी है शाउल राजा की। शाउल राजा को खुदावंद का रूह छोड़ गया है। हालेलुया। और जब खुदावंद का रूह छोड़ गया है तो उसके अंदर का जो घर खाली हुआ है, उस घर को एक बदरू ने, दुष्ट आत्मा ने भर दिया है। शाउल जो है वो खुदावंद से डायरेक्शन चाहता है, खुदावंद की गाइडेंस चाहता है, लेकिन उसे परमेश्वर की ओर से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। क्यों? क्योंकि खुदावंद का खादिम सैमुएल खुदावंद में सो गया है। तो शाउल जब प्रभु में सही चल रहा था तो शाउल ने खुद एक ईडिक्ट दिया था कि उसके राज्य में जितने लोग जादूगरी करने वाले हों, टोना करने वाले हों, डिविनेशन करने वाले हों, फॉर्चून टेलर हों, नेक्रोमेंसी करने वाले हों, क्लेयरवॉयंस वाले हों, ऊजा बोर्ड वाले हों, जितने भी किसी किस्म के टैरट कार्ड रीडर जादूगर हों, सब के सबको मार दिया जाए। अब वही राजा तलाश कर रहा है एक मीडियम की। क्या लिखा है यहां पे? वो ढूंढता है, किसे ढूंढता है? एक औरत को। विच ऑफ एंडोर, बिहोल्ड देयर इज अ मीडियम एट एंडोर। एंडोर में एक जादूगरनी है। उसके पास जाता है, भेस बदल के उसके पास जाता है, उस औरत के पास, और उसे बोलता है रेज अप सैमुएल फॉर मी। हालेलुया। और आपको मालूम यहां पे क्या लिखा है? यहां पे लिखा है वो क्या कहता है उसको जाके, 8 वचन में कहता है, ही सॉल डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एंड पुट ऑन अदर गारमेंट्स एंड वेंट एंड ही एंड टू मैन विद हिम एंड दे केम टू द वुमन बाय नाइट एंड सेड डिवाइन फॉर मी बाय ए स्पिरिट, डिवाइन फॉर मी बाय ए स्पिरिट एंड ब्रिंग अप फॉर मी whom ever I shall name to you. Conjure, conjure, conjure कर, ये conjurer है ये woman, और उसे बोलता है divine for me. आपको मालूम यहां पे क्या word है divine for me के लिए? यहां पे Hebrew word है ऊब। ऊब का रूह कौन सा रूह है? ऊब के रूह के ऊपर किसी समय एक पूरा सेशन करेंगे। ऊब का रूह कौन सा रूह है? ये औरत के अंदर फेमिलियर स्पिरिट है। दिस इज कॉल्ड द फेमिलियर स्पिरिट। हालेलुया। ऊब का आत्मा इस औरत के अंदर।
मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता वेदर दैट वॉज सैमुअल और दैट वॉज अ फेमिलियर स्पिरिट, लेकिन मैं आपको अभी सिर्फ स्पिरिट बताना चाहता हूँ, ऊब करूँ। अब हम आएंगे सेकेंड सेक्शन में, पिथोन न्यूमा एंड ऊब पे हमने अध्ययन किया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ या आइजाया यशाया के 34 अध्याय में आइए, यशाया नबी की किताब उसके आप 34 अध्याय में आ जाइए, यशाया 34। और मैं आपको बताना चाहता हूँ एक खास वचन यहाँ पे, यशाया 34 के 14 में, चले मेरे संग पढ़िए यशाया 34 का 14। अगर कोई हिंदी में प्लीज टाइप करता जाए सो दैट विल बी रियली ग्रेट, ताकि लोगों को हिंदी में वो वचन मिल जाए। हालेलुया, सुनिएगा क्या लिखा है यहाँ पे। हालेलुया, यहाँ पे लिखा है यशाया 34, मैं उसका आपके लिए पढ़ता हूँ 13 वचन से। थॉर्न्स शैल ग्रो ओवर इट्स स्ट्रॉन्ग होल्ड, कांटे उसके गढ़ों के ऊपर उगेंगे, नेटल्स एंड थिसल्स इन इट्स फोर्ट्रेस, और उसके किलों के अंदर झाड़ियां और कांटे। इट शैल बी द हॉन्ट ऑफ जैकॉल्स, और यहां पे गीदड़ इकट्ठे होंगे, जैकॉल्स गीदड़ इकट्ठे होंगे, एन अबोर्ड फॉर ऑस्ट्रिच, और शत्रुमुर्ग का वहां पे वास होगा। अब आप ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत डीप हिब्रू टर्मिनोलॉजी है, हालेलुया, जो यहां पे यशाया इस्तेमाल कर रहा है। वो बात कर रहा है कि स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर कांटे होंगे और फोर्ट्रेस किलों के अंदर नेटल और थिसल झाड़ियां कांटे पैदा होंगे। इट शैल बी हॉन्ट ऑफ जैकॉल्स, एक्सक्यूज मी, वहां पे गीदड़ इकट्ठे होंगे, एन अबोर्ड फॉर ऑस्ट्रिच, और क्या होगा वहां पे, क्या लिखा है, शत्रुमुर्ग इकट्ठे होंगे, शत्रुमुर्ग ऑस्ट्रिच। और आप पढ़िए 14 वचन, यहां लिखा एंड वाइल्ड एनिमल शैल मीट विद हाइनास। हाइनास क्या होते हैं, लकड़ बग्घे जिसे हम बोलते हैं, जंगली जानवर लकड़ बग्घों से मिलेंगे। द वाइल्ड गोट, यह जंगली बकरा है एक, शैल क्राई टू हिज फेलो, जंगली बकरा एक खास ढंग से चिल्लाएगा। सुन रहे हैं आप, और क्या लिखा है, अपने साथियों को बुलाएगा। इंडीड देयर शैल बी नाइट बर्ड सेटल्स, रात के पंछी वहां पे आएंगे, एंड फाइंड फॉर हर सेल्फ अ रेस्टिंग प्लेस। और क्या लिखा है, देयर शैल बी आउल नेस्ट्स एंड लेस, एंड हैचेस एंड गैदर्स हर यंग इन द शेडो, इंडीड देयर द हॉक आर गैदर्ड ईच वन टू हिज हर मेट। अब सुनिए ध्यान से यहां पे क्या लिखा है, ये सब बदरुए हैं, 13 आयत में, 14 आयत में, 15 आयत में, ये बदरुए हैं सारी, देख रहे हैं आप, ये कर्सेज हैं, थॉर्न्स थिसल्स, ये लानते हैं, और ये सब शैतानी आत्माएं हैं, बदरुए हैं। हालेलुया, इंटरनेट बहुत ही टेरेबल है इस गांव में जहां मैं हूं आज। हालेलुया, तो ये सभी बदरुए हैं, सुन रहे हैं मेरी बात, सब बदरुए हैं। लेकिन 14 आयत में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यहां पे लिखा है इंडीड देयर शैल बी नाइट बर्ड, रात का एक पंछी है। आपको मालूम इसके लिए ओरिजिनल ग्रीक वर्ड, हिब्रू वर्ड क्या है, ओरिजिनल इब्रानी शब्द क्या है, असली इब्रानी शब्द है लिलीथ। लिलीथ ये एक रू है। जूश लोग, हालांकि जो स्पिरिट वर्ल्ड है वो जेंडरलेस है, लेकिन जूश लेजेंड्स ये मानते हैं कि ये एक औरत का रूह है, लिलीथ। लिलीथ वो आत्मा है जो क्या करता है, गर्भवती औरतों पे आक्रमण करता है, गर्भवती औरतों को मिसकैरी करवाता है, उनके बच्चों को खा जाता है ये रूह। इसका नाम है लिलीथ, रूहाक लिलीथ, लिलीथ का रूह है ये, सुन रहे हैं आप मेरी बात, रूहाक लिलीथ, लिलीथ का रूह।
Hallelujah. कुछ लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही है, क्या सभी के साथ ऐसा है? आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? लिलीथ का आत्मा, स्पिरिट ऑफ लिलीथ, यशाया 34:14, और इसके अंदर ये सब आत्माएं हैं, शैतानी आत्माएं, सुन रहे हैं आप? जे जैकॉल्स जो है, गीदड़, ये भी बदरुए हैं, ऑस्ट्रिच बदरुए हैं, जंगली जानवर, हाइनाज, जंगली बकरा और लिलीथ, ये सब शैतानी रूहे हैं। हालेलुया, दे ऑल आर डेमोनिक एंटिटीज। अब मेरे संग पढ़े एक वचन जल्दी से, अय्यूब की किताब, अय्यूब की किताब उसका 4 अध्याय, अय्यूब उसका 4 अध्याय उसका 12 वचन सुनिए। नाउ ए वर्ड वॉज ब्रॉट टू मी स्टिल्थली, स्टेल्थली माई ईयर रिसीव्ड द विस्पर ऑफ इट, अमिड थॉट्स फ्रॉम विजन्स ऑफ द नाइट, व्हेन डीप स्लीप फॉल्स ऑन मैन, ड्रेड केम अपॉन मी। क्या कहता है ये अय्यूब? अय्यूब कह रहा है 14 वचन में, जब गहरी नींद आती है, रात को गहरी नींद आती है, एक्सक्यूज मी, तो क्या लिखता है अय्यूब? अय्यूब लिखता है जब रात को डीप स्लीप आती है, तब क्या लिख रहा है? हालेलुया, अय्यूब क्या लिख रहा है? ड्रेड केम अपॉन मी, ड्रेड केम अपॉन मी। और ड्रेड के लिए हिब्रू में पर्सनल प्रोनाउन यूज हुआ है, जो एक लिविंग एंटिटी के लिए यूज होता है। ये ड्रेड जो है कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, यहां पे पर्सनल प्रोनाउन हिब्रू में यूज हुआ है, और ये ओरिजिनल हिब्रू वर्ड है पखाड, पखाड। आपको मालूम ये पखाड क्या है? ये पखाड है कैनेनाइट गॉड, कैनेनाइट डीमन है, जिसकी कनानी पूजा करते हैं, उनका देवता है। अय्यूब कहता है कि पखाड का रूह मेरे ऊपर आ गया, स्पिरिट अय्यूब के ऊपर आया, जिसकी जैसे छाती पे आके दबाव डालता है, जैसे कि सोल के अंदर आके डराने की कोशिश करता है, रात को नाइटमेयर लाता है, दबाव डालता है, रात को ड्रीम वर्ल्ड के अंदर एंटर करता है। क्या लिखता है अय्यूब? अय्यूब लिखता है मेरी छाती के ऊपर, मेरी छाती को दबा रहा है, मेरे बॉडी के ऊपर ये बदरू आ रहा है, पखाड, ये देवता है कनानियों का पखाड। और इसे प्लेग भी कहा गया, मरी भी कहा गया। जब परमेश्वर मरी भेजता है, प्लेग भेजता है, वचन का अध्ययन कीजिए हिब्रू में, वो शैतानी दुनिया के जो देवी देवता हैं उन्हें रिलीज करता है लोगों को सजा देने के लिए। सुन रहे हैं मेरी बात आप? पखाड एक रूह है, पखाड, दैट्स द हिब्रू वर्ड। वो कहता है पखाड मेरे ऊपर आया दबाव डालने के लिए। अय्यूब 4:14, ड्रेड केम अपॉन मी एंड ट्रेम्बलिंग विच मेड माई बोन्स शेक, कहता ड्रेड आया, पखाड आया मेरे ऊपर, मुझे दबा लिया उसने, मैं डरने लगा, कांपने लगा, मेरी हड्डियां हिलने लगी, सोते समय की बात कर रहा जब वो सो रहा है। ए स्पिरिट ग्लाइडेड पास्ट माई फेस, द हेयर ऑफ माई फ्लैश स्टूड अप, एक रू मेरे आगे से निकला और मेरे लू कंडे, जिसे बोलते हैं ना पंजाबी में, खड़े हो गए, रोंगटे खड़े हो गए हिंदी में बोलते हैं। इट स्टूड स्टिल बट आई कुडंट डिसर्न इट्स अपीयरेंस, ए फॉर्म वॉज बिफोर माई आईज, देर वॉज साइलेंस, देन आई हर्ड अ वॉइस। हालेलुया, ये है बदरुओं की दुनिया। मैं सुन रहा था किसी का मैसेज, छोटी सी क्लिप मैंने 10-15 सेकंड की सुनी, तो उसमें वो ये बता रहे थे कि लानत है आपके ऊपर अगर आपको ये चीजें सताती हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये स्पिरिट वर्ल्ड है क्या, ये कैसे काम करता है। आपको अध्ययन करना चाहिए वचन का, जानने के लिए, पुराने नियम का, नए नियम का, पूरी संपूर्ण बाइबल का गहन अध्ययन करना चाहिए कि ये स्पिरिट एंटिटी क्या हैं और ये कैसे काम करती हैं, विश्वासियों के जीवन के ऊपर कैसे इन्फ्लुएंस डालती हैं, आपके इर्द गिर्द कैसे एक मैट्रिक्स, एक वर्ल्ड क्रिएट करती हैं ये।
उसको समझना बहुत जरूरी है, परमेश्वर के पूरे कलाम को, सिवाय ये कहने के कि लानत है उनके ऊपर। पूरे वचन को संपूर्ण दृष्टि से जानना जरूरी है। ये जो बात यहां पे कर रहा है, कौन कर रहा है? अय्यूब कर रहा है, अय्यूब का मित्र। क्या बयान कर रहा है? बयान कर रहा है स्लीप पैरालिसिस, नींद के अंदर जो पैरालिसिस हो जाता है, नाइटमेयर जिसे हम बोलते हैं, बदरुएं आती हैं ड्रीम्स के अंदर, दबाती हैं, छाती पे बैठ जाती हैं, सांस दबा लेती हैं। ये डीमंस हैं भाई और बहनों, स्पिरिट वर्ल्ड रियल है। दिस इज कॉल्ड न्यूमा कॉस्मोस, स्पिरिट वर्ल्ड, शैतानी आत्माओं की दुनिया। दिस इज ए रियल रियल वर्ल्ड, कॉस्मोस न्यूमा। इसका अध्ययन करना आपको जरूरी है, ओरिजिनल टेक्स्ट में जाके, असली भाषा में कलाम को, लाइन अपॉन लाइन, प्रीसेप्ट अपॉन प्रीसेप्ट, एक एक वचन का गहन अध्ययन करना आपके लिए जरूरी है, परमेश्वर के कलाम को समझने के लिए। नहीं तो आप अपनी अटकलें लगाते रहेंगे, अपने ही विचार पेश करते रहेंगे, अपनी ही व्याख्या देंगे, अपनी ही इंटरप्रिटेशन देंगे, और परमेश्वर के कलाम से वंचित रहेंगे, और शैतान आपको अंधेरे में रखेगा। ये शैतानी अटैक आ रहे हैं लोगों के ऊपर। अय्यूब 4:12-16 पढ़ लीजिए, अय्यूब की किताब 4:12-16। ये पखाड का रूह है, ये कैनानाइट गॉड है, जिसे परमेश्वर ने परमिशन दी है लोगों इसे तंग करने के लिए, रात को नाइटमेयर लाने के लिए। और ये अपनी नींद के अंदर इसकी हड्डियां भी डर रही हैं, रोंगटे खड़े हैं, और ये कांप रहा है बंदा इस बदरू के कारण। हालेलुया। तो एक वचन और पढ़ें जो मैं आपको बता रहा हूं, कॉस्मोस न्यूमा क्या है, आत्माओं की दुनिया क्या है, ग्रीक वर्ड है कॉस्मोस न्यूमा। पढ़िए पहला कुरिंथियों में चलिए, उसका 2 अध्याय निकालिए, फर्स्ट कुरिंथियंस चैप्टर नंबर 2, पहला कुरिंथियों 2 अध्याय, और उसका मैं पढ़ता हूं आपके लिए 12 वचन। सुनिए पहला कुरिंथियों 2 अध्याय उसका 12 वचन क्या कहता है यहां पे प्रेरित पौलुस। नाउ वी हैव रिसीव्ड नॉट द स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड, प्रेरित पौलुस कहता हमने दुनिया का रूह हासिल नहीं किया है। इस दुनिया की एक स्पिरिट है, ये जिस दुनिया में आप रह रहे हो, इस दुनिया का एक रूह है। हालेलुया। एलिमेंटल स्पिरिट के ऊपर हम स्टडी करेंगे किसी समय, स्कॉशियन ग्रीक में कहा गया है, एलिमेंटल स्पिरिट्स, प्राइमोडियल स्पिरिट्स, मरीन स्पिरिट्स। ये भाई और बहनों बहुत डीप है कलाम खुदावंद का, और इसके अंदर बहुत डीप बातें हैं कॉस्मोस न्यूमा के विषय में। कॉस्मोस न्यूमा क्या, इस दुनिया के ऊपर एक स्पिरिट रूल कर रही है, स्कॉशियन जिसे कहा गया है, स्कॉशियन। हालेलुया। कॉस्मोस न्यूमा। तो प्रेरित पौलुस क्या कह रहा है, प्रेरित पौलुस कह रहा है हमें ये रूह नहीं मिला है। We have not received the spirit of the world, but the spirit who is from God. जो कॉस्मोस न्यूमा है, this is not from God, this is from the devil. Spirit of the world. आपको मालूम ये कॉस्मोस न्यूमा किन्हें पकड़ती है, किन्हें जकड़ती है? उन मसीहों को पकड़ती है और ये आत्मा जकड़ती है। Spirit of the world, कॉस्मोस न्यूमा किन्हें पकड़ती है? वो मसीह जो संसार की मटेरियल चीजों के पीछे दौड़ रहे हैं, थोड़ा और रियल एस्टेट, एक दो और नए बंगलोज, कुछ और एक्सपेंसिव इंपोर्टेड गाड़ियां, थोड़ी और वार्डरोब बड़ी हो जाए, थोड़ा और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट, थोड़े और बिजनेस एंटरप्राइजेज, थोड़ा और वेल्थ, थोड़ा और प्लेजर के लिए धन इकट्ठा किया जाए, थोड़ा और ग्रेटिफाइंग द फ्लैश, जो संसार और संसार की चीजों के पीछे दौड़ रहे हैं, और प्रॉस्पेरिटी कल्ट वाले झूठे प्रचारक उन लोगों को फैंसी राइड के ऊपर लेके गए हैं। वो यीशु मसीह को पेश करते हैं कि यीशु मसीह को यूज करो अपनी मटेरियल लस्ट को पूरा करने के लिए। क्रूस पे चढ़ा हुआ जीवन, मत्ती 7:14 वाला जीवन, कौन सा जीवन? स्ट्रेट गेट में से एंटर करना, नैरो पाथ पे चलना, तंग फाटक से घुसना और सकरे पथ पे चलना, अपने आप का इनकार करना, सेल्फ को डिनाय करना, क्रूस को उठाना और प्रभु के पीछे चलना, ये शिक्षा नहीं है।
मटेरियल ब्लेसिंग। मैं देख रहा हूँ पास्टर वीडियो डाल रहे हैं हाउ टू बिकम रिच पंजाब के अंदर, हाउ यू कैन बिकम रिच, कुछ डाल रहे हैं हाउ यू कैन लिव अ वीआईपी लाइफ। बाइबल तो भैया क्रूसित जीवन की बात करती है, क्रूस पे चढ़ाए गए धर्मी जीवन की। बाइबल तो कोई वीआईपी लाइफ की बात नहीं करती। हाउ टू इन्वेस्ट इन गोल्ड, हाउ टू बिकम वेल्दी एंड रिच, ये है ये आत्मा। प्रेरित पौलुस कहता है दुनिया का आत्मा, पहला कुरिन्थियों 2:12 पढ़ लीजिए गौर से, हमें नहीं मिला ये दुनिया का आत्मा, ये संसार का आत्मा मटेरियल चीजों के पीछे आपको दौड़ाता है पागलों की तरह। ये नेचुरल लोग हैं, एंड दीज डीमंस आर रनिंग पीपल लेफ्ट एंड राइट। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं। मैंने आपको पिथोन के ऊपर बताया, ऊब के ऊपर बताया, लिलीथ के ऊपर बताया, कॉस्मोस न्यूमा के ऊपर बताया। अब चलिए अगला आत्मा, नेक्स्ट स्पिरिट। पढ़िए मत्ती रची सुसमाचार 14:26। जब यीशु मसीह पानी के ऊपर चल के आ रहा है, चेले नाव में यीशु मसीह को दूर से देख रहे हैं, एक सिलवट दिखाई दे रही है, एक परछाई दिख रही है चेलों को, और चेले डर गए। आपको मालूम क्यों डरे? क्योंकि एक मिथ थी जूश लोगों की कि रात के समय पानियों पे मरीन स्पिरिट घूमती हैं। और आपको मालूम क्या लिखा वहाँ पे मत्ती क्या लिखता है? मत्ती ने एक्चुअली अरमिक में लिखा है, लेकिन उसे बाद में ग्रीक में ट्रांसलेट किया है। मत्ती 14:26 पढ़ लीजिएगा, मरकुस 6:49। जब चेलों ने देखा तो वो डर गए। डर के लिए ग्रीक वर्ड है फोबिया। आपको मालूम साइकोलॉजी, साइकोलॉजिस्ट क्या बताते हैं? साइकोलॉजिस्ट फोबिया को 365 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कितनी तरह के फोबिया हैं? 365 तरह के। हाइड्रोफोबिया, पानी से जिसे डर लगता है। हमाटिया फोबिया, जिसे खून देख के डर लगता है, समझ रहे हैं आप? वर्टिगोफोबिया, जिसे हाइट से डर लगता है। ये तरह तरह के फोबिया हैं डर, और ये सारे आपकी सोल के अंदर ऑपरेट करते हैं। फेथ इज ए गिफ्ट फ्रॉम गॉड, फियर इज ए गिफ्ट फ्रॉम द डेवल। डू नॉट रिसीव एनी गिफ्ट फ्रॉम द डेवल, डिनाय एवरी गिफ्ट फ्रॉम द डेवल। डेवल विल नॉट ऑफर यू एनीथिंग गुड, ही इज कम टू स्टील एंड किल एंड अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय योर लाइफ। वो चोरी करने, घात करने, नाश करने आता है, और वो जो वरदान आपको देगा, गिफ्ट देगा, वो है फियर, डर। यीशु मसीह आपको देता है फेथ, होली फेथ, जो स्वर्ग से उतर के हमारी रूह के अंदर और हमारी सोल के अंदर बोया जाता है, बीज की मानिंद। उसको आपने पानी देना है, कलाम से वाटर करना, उसको पवित्र आत्मा के द्वारा उसे सींचना है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा उसे सींचना है, कल्टीवेट करना है। वो फेथ, वो विश्वास आपके अंदर ग्रो करेगा, बढ़ेगा, पनपेगा, एक बहुत बड़ा दरख्त बनेगा और उसे फल लगेंगे। हालेलुया। तो चेले देख के डर गए। आपको मालूम क्या वर्ड लिखा है मत्ती 14:26 और मरकुस 6:49 में? वो डर गए और चिल्लाए, क्रैसो, क्रैसो वर्ड है, टू क्राई इन फियर, क्रैसोफोबिया, दे क्राइड इन फियर। क्यों? उन्हें लगा कि कोई मरीन डीमन आ गया है। हालेलुया। और आपको मालूम उन्होंने क्या कहा? ये भूत है लिखा वहां पे हिंदी में, इट इज अ गोस्ट इंग्लिश में लिखा है, लेकिन ग्रीक वर्ड है फैंटमोस। फैंटम की स्टोरी पढ़ी आपने? फैंटम, मैं जब बच्चा था, छोटा था, कॉमिक आता था एक फैंटम के ऊपर, फैंटम लिखा है यहां पे ग्रीक वर्ड, फैंटमोस ग्रीक वर्ड है। भाई और बहनों, अफ्रीका में बहुत ज्यादा ट्रेंड है मरीन स्पिरिट का, बहुत इलेबोरेट स्पिरिट टीचिंग है वहां पे कई चीजों की, जो बहुत हेल्दी भी नहीं है। मरीन स्पिरिट क्या है? स्पिरिट स्पाउसेस लोग बोलते हैं। एक और जवान लड़की है, उसका आत्मा में एक पति है, बदरू है उसका हस्बैंड, या एक पुरुष है, एक औरत है जो उसकी पत्नी है, लिलीथ की तरह, जो उसके संग रात को आके पूरा पति पत्नी का रिलेशनशिप बनाते हैं। दे कॉल देम स्पिरिट स्पाउसेस।
वॉटर स्पिरिट, मरमेड स्पिरिट, अफ्रीका भरा पड़ा है इन मरीन स्पिरिट्स के साथ, स्पिरिट हस्बैंड एंड स्पिरिट वाइफ, ये सब चीजें हैं वहां पे। हालेलुया, ये है फैंटमोस। और फिर आगे चलिए, अगली स्पिरिट कौन सी है बाइबल में, पढ़िए लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय और उसका 12 वचन। लूका 13 उसका 12, लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसका 12 वचन पढ़िएगा। लूका 13:12, सुने क्या लिखा है यहाँ पे। हालेलुया, व्हेन जीसस सॉ हर ही कॉल्ड हर ओवर एंड सेड टू हर, वुमन यू आर फ्रीड फ्रॉम योर डिसेबिलिटी। हालेलुया, ये एक औरत है, हैकल यहूदियों के सिनेगॉग में है, इसका 10 वचन पढ़ें। वो सिनेगॉग में पढ़ा रहा है सबत के दिन, वहां पे इस औरत को स्पिरिट ऑफ इन्फर्मिटी है, ESV में लिखा डिसेबलिंग स्पिरिट, 18 साल से उसके अंदर है। वो हर सैटरडे को हैकल में जाती है, सिनेगॉग में जाती है, आराधना करती है 18 साल से, 52 टाइम्स इन ए ईयर गई है वो। अब 18 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो औरत लगभग 4000 बार 18 साल में गई है, जहाँ पे खुदावंद का कलाम पढ़ा जाता है, जहाँ पे प्रार्थना की जाती है। लेकिन इस औरत के अंदर एक रूह है, स्पिरिट है, इसे स्पिरिट ऑफ इन्फर्मिटी कहा गया है, लेकिन ये स्पिरिट है न्यूमा एस्थेनीलिया, यह कमजोरी का रूह है, कमजोरी का रूह। एस्थेनिया क्या है, ये वो रूह है जो जोड़ों के अंदर बैठा है, ये वो रूह है जिसने बॉडी के टिश्यूज और सेल और लिगमेंट को कमजोर कर दिया है, कमजोरी लेके आता है, फीबलनेस, अर्थराइटिस, क्रिप्टोसिस, सोलसिस, मेंटल इलनेस, जिसे मेडिकल साइंस चंगा नहीं कर सकती, साइकिक बीमारियां, मेंटल रेलम के डिजीजेज हैं। औरत को 18 साल से है, हैकल में जाती है, कलाम सुनती है, पढ़ती है, 4000 बार जा चुकी है 18 सालों में, फेथफुल है, लॉयल है, लेकिन चंगी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि एस्थेनीलिया न्यूमा से जकड़ी हुई है, कमजोरी की रूह से ये औरत जकड़ी हुई है। और यीशु मसीह क्या कहता है, हालेलुया, यहां पे लिखा है, शी बिहोल्ड देयर वाज अ वुमन विद स्पिरिट ऑफ इन्फर्मिटी, शी वाज बेंट ओवर एंड कुड नॉट फुली स्ट्रेटन हरसेल्फ। वो कुबड़ी हो गई है, उसके जोड़ों के अंदर अर्थरेटिक स्पिरिट है, जोड़ों जोड़ों में घुस गई है आत्मा, ये रूह है। भाई और बहनों सुन लीजिएगा, जीसस कॉल्ड हर ओवर एंड सेड टू हर, वुमन यू आर फ्री फ्रॉम योर डिसेबिलिटी, मैं एस्थेनीलिया की आत्मा को तेरे अंदर से निकालता हूं। और क्या लिखा है, एंड ही लेड हैंड्स ऑन हर एंड इमीडिएटली शी वॉज मेड स्ट्रेट, वो सिद्धि हो गई एंड शी ग्लोरिफाइड गॉड, उसी समय यहोवा की स्तुति करने लगी। जिसे मेडिकल साइंस चंगा नहीं कर सकती, ऐसे मेंटल साइकिक डिजीजेज हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस है बॉडी के अंदर, ब्रेन और बॉडी की कोऑर्डिनेशन नहीं है, ब्रेन और बॉडी के ऑर्गन आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, कम्युनिकेशन नहीं है प्रॉपर, सेल्स जो बने हैं, जो जीनोम्स बने हैं, DNA RNA बना है, वो कंपैटिबिलिटी नहीं है उनके अंदर, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है, एक दूसरे से प्रॉपर संपर्क नहीं है लिम्ब्स का, ऑर्गन का, इसलिए लोग बाइपोलर डिसऑर्डर, स्किट्जोफ्रेनिया, ऑटिस्टिक हो जाते हैं, कई तरह की मेंटल बीमारियां लगती हैं जिसका डॉक्टरों के पास कोई भी इलाज नहीं, क्योंकि आप उसका कोई भी अल्ट्रासाउंड नहीं करा सकते, किसी अल्ट्रासाउंड में नहीं दिखती वो, किसी सिटी स्कैन में नहीं दिखती वो, कोई रेडियोलॉजिस्ट उसको निकाल के दिखा नहीं सकता। दीज आर स्पिरिचुअल सिकनेसेस, ये है एस्थेनीलिया न्यूमा, कमजोरी का रूह है भाई और बहनों। हालेलुया, ये आत्माएं बॉडी के अंदर घुस जाती हैं, बोन्स के अंदर, बोन मैरो में, जॉइंट्स के अंदर घुस जाती हैं और लोगों को इन्फर्म कर देती है। हालेलुया, ये मैं बात कर रहा हूँ चर्च में जाने वाली औरत की। कई लोग कह रहे हैं ना, मैं सुन रहा था जी, हाँ ओ जी क्या कहते हैं, लानत जी उन्होंने उत्ते, वो जानते नहीं है ये सारी डीप बातें कलाम की। डीमंस का वर्ल्ड, शैतानी दुनिया, स्पिरिट रेलम बहुत रियल है और स्पिरिट रेलम के अंदर लॉज हैं स्पिरिचुअल, वो गवर्न करते हैं इन बातों को।
ये स्पिरिट हाइड करती हैं अंदर, छिपके रहती हैं, जीनोम्स के अंदर अटैच हो जाती हैं, डीएनए में, आरएनए में, आरएनए को कंट्रोल करना चाहती हैं। ये साइकिक सिकनेसेस हैं। डीमंस आपके ब्रेन के कुछ एरिया में घुस जाएंगी, फोरहेड के अंदर, फ्रंटल लोब के अंदर, जहां के जहां पे आपका कंप्यूटर चिप लगी हुई है पूरे बॉडी को, सोल को प्रोग्राम करने की। ब्रेन की मॉल फंक्शनिंग करती हैं ये, ब्रेन की मॉल फंक्शनिंग हो जाती है। ऐसी रूहें हैं भाई और बहनों। आपको मालूम बाइबल में एक बंदे का जिक्र है जो कब्रों के अंदर रहता है, मैनियक ऑफ गैडरीना, अपने आप को पत्थरों से काटता है, पत्थरों से काटता है। आपको मालूम कौन से पत्थर हैं वो? वो पत्थर नहीं है, ग्रीक वर्ड है लीथोस। वो क्ले प्लेट्स हैं, क्ले प्लेट्स, उन क्ले प्लेट्स से अपने आप को काटता है वो। आपको मालूम ये वर्ड कहाँ पे आया है? दूसरी जगह कुरिन्थियों की पत्री में प्रेरित पौलुस कहता है कि वो व्यवस्था जो स्टोन्स के ऊपर लिखी गई, पत्थरों के ऊपर लिखी गई, अगर इतनी तेजोमयी थी कि मोजेस के चेहरे का तेज इजरायली नहीं देख पाए, हालांकि वो तेज घटता जा रहा था, तो जो नई वाचा है, नया कवनेंट है, वो उससे ज़्यादा ग्लोरियस क्यों ना होगा। तो वहां पे जो लिखा ना पत्थरों पे लिखी गई वाचा, वहां पे ग्रीक वर्ड है लीथोस, क्ले की टैबलेट के ऊपर लिखा गया कलाम, पत्थर की टैबलेट्स के ऊपर लिखा गया कलाम, पत्थर की ऐसे प्लेट कट के बनी हुई है उसके ऊपर लिखा गया कलाम। वही वर्ड यहां पे लिखा, वो उस क्ले, वो स्टोन की टैबलेट से अपने आप को काट रहा है जिनके ऊपर कलाम लिखा गया है, और वो चंगा नहीं हो पा रहा दुष्ट आत्मा से जकड़ा बंदा, और बदरुएं उसे घुमाती फिर रही हैं। मरकुस 5 अध्याय उसके 1 पहले वचन से पढ़िएगा, उसके अंदर लिखा है अनक्लीन स्पिरिट है, अकाथर्टोस न्यूमा, अकाथर्टोस न्यूमा ग्रीक वर्ड है, अनक्लीन स्पिरिट, अकाथर्टोस न्यूमा है इस बंदे के अंदर। और उनका एक सरदार है और उसके नीचे एक लिजियन है, वो इस बंदे को कंट्रोल कर रही हैं फुली। वो क्या करता है? एनी वन कुड नॉट कंट्रोल हिम लिखा है, डमाजो ग्रीक वर्ड है, कोई टेम नहीं कर पाया। वो क्राय करता है, चिल्लाता है, काटा कपोटो ग्रीक वर्ड है, काटा कपोटो, अपने आप को चिल्लाता, अपने आप को काटता है, और इसका मतलब है डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन में है बंदा। ही जो लिजियन होता है ना, वो 4200 से 6000 का होता है, मैक्सिमम 6000 का होता है, लेकिन बाइबल में लिखा है, आपको मालूम खुदावंद यीशु मसीह जब नाव में गया और तूफान आया और बहुत भयंकर आंधी आई और समुंदर की लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठी, तो कलाम में लिखा है यीशु मसीह उठा और उसने तूफान को देखा और उसने समुंदर को देखा। समुंदर की एक रूह है, देयर इज अ स्पिरिट ऑफ द सी विच इज कॉल्ड टियामाट। टियामाट इज एन अकेडियन गॉड who controls the waters, and there is a spirit in the storm, thunder god है। ये दोनों demons खड़े हैं वहां पे, यीशु मसीह demons को देख रहा, बदरुओं को, and he sees right into their eyes, and Jesus rebukes those demons, and these demons are the demon gods, and Jesus rebukes them, और आपको मालूम what Jesus says to them? यीशु मसीह एक शब्द बोलता है अरमिक में, एक मालिक है, उसके घर में एक पिट बुल कुत्ता है बहुत बड़ा, वो इतना भयंकर है जब लोग उनके घर में आते हैं वो डर जाते हैं, लेकिन उसका मालिक कुत्ते को चुप, उसी समय वो कुत्ता पहले कर रहा था अब करने लगता है। यीशु मसीह ऐसे झिड़कता है ये जो सी गॉड है टियामाट और जो थंडर गॉड है स्टॉर्म गॉड है, उसे झिड़कता है, जूस है वो, जूस, जूस एंड टियामाट। यीशु मसीह उन्हें झिड़कता है और वो क्वाइट हो जाते हैं, क्योंकि वो यीशु मसीह के चरणों के आगे झुक जाती हैं। सारी ताकतें, सारी शक्तियां, सारे इख्तियार, सारी हुकूमतें, ये सृष्टि की जो आपको दिखाई दे रही है और वो सृष्टि जो आपको नहीं दिखाई दे रही, उस सब की सब शय, सब एंटिटी यीशु मसीह के चरणों में झुकती हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कॉन्कर किया है पूरे ब्रह्मांड को। वो राजों का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। तो आपको मालूम
ये बदरुएं यीशु मसीह को रोक क्यों रही हैं? समुंदर का देवता और तूफान का देवता स्टॉर्म गॉड क्यों यीशु मसीह को रोक रहा है? क्योंकि यीशु मसीह एक बंदे को चंगा करने जा रहा है। हालेलुया। और आपको मालूम ये बंदा कौन है? ये बंदा जिसके अंदर बदरुएं जकड़ी हुई हैं, इसकी शायद कभी शादी हुई होगी, इसकी बीवी ने छोड़ दिया, इसके बच्चे होंगे, सब ने त्याग दिया, ये कब्रों के अंदर घूमता है नंगा और पत्थरों से अपने आप को काटता है। शायद शुरू शुरू में कुछ रब्बियों ने इसके लिए दुआ की होगी कि चंगा हो जाए, पर नहीं हुआ। एंड दे गेव अप ऑन दिस मैन। इस मनुष्य के जीवन में कोई आशा नहीं है, इस मनुष्य के जीवन में कोई नई सुबह नहीं है। बदरुएं इसको दौड़ाए फिरती हैं। आपको मालूम बदरू पहले आपको क्या करती है? दुष्ट आत्मा पहले आपको ऑप्रेस करती है, बाहर से ऑपरेशन आता है बाहर से, फिर दुष्ट आत्मा आपको डिप्रेस करती है, डिप्रेशन में ले जाती है, फिर दुष्ट आत्मा आपको पोजेस करती है, कब्जा कर लेती है, अंदर घुस जाती है, फिर दुष्ट आत्मा आपको ऑब्सेस करती है। जब व्यक्ति 24 आवर्स बदरू से जकड़ा रहता है, ऑब्सेस रहता है, ये ऐसा बंदा है जो ऑब्सेस्ड है, इसकी सोल शैतान के हाथ में है। यीशु मसीह इस बंदे के लिए गया है, वो तूफानों का सामना इसके लिए करता है, वो उन देवताओं के संग युद्ध करता है, उन्हें डांटता है। युद्ध करने की जरूरत नहीं है उसे, ये तो पहले हारे हुए यीशु मसीह के आगे, उसे सिर्फ झिड़कना है इनको, क्योंकि वो स्वामी है। और ये चुप हो जाते हैं, ये चुप हो गए, और यीशु मसीह गया। जैसे यीशु मसीह के पाँव ने समुंदर की सैंड को, समुंदर के तट पे निकला और उस सैंड को उसके पाँव ने छुआ, ये बंदा जहाँ कहीं था पवित्र आत्मा उसे खींच के ले आया, वचन पढ़िए, यीशु मसीह के चरणों में ला के फेंका, नंगा था ये। और यीशु मसीह एक जगह सिर्फ लिखा है, पूछता है उससे तेरा नाम क्या है। मैंने देखा कई पासवान लोग बदरुओं के साथ घंटा घंटा खेलते हैं, तेरा नाम की है, तेरे किन्ने तेनू कर लिया, कौन है तू, दस मैं कौन आ, दस मेरे आले दुआले कौन है, फरिश्ते हैं, अच्छा अच्छा मेरे इर्द गिर्द तो आग है, अच्छा हाँ आपके इर्द गिर्द तो आग है, आप तो वो बदरुओं से चीप पब्लिसिटी लेते हैं कई झूठे पादरी लोग, उनसे अपनी पब्लिसिटी करवाते हैं ताकि लोगों को पता लगे कितने अभिषिक्त हैं, कितने महान हैं, कितने पराक्रमी हैं, कितनी सामर्थ्य इनके द्वारा काम कर रही है। यीशु मसीह बदरुओं का रेज्यूमे नहीं चाहता, यीशु मसीह को मालूम है कौन सी बदरू है, वो जानता है हर एक, उसने बनाया ये, कभी जो बदरुए हैं कभी उसके फेथफुल एंजल थे, इन्होंने शैतान के साथ बलवा किया और गिरा दिए गए, यीशु मसीह तो उनको बनाने वाला है, वो जानता है। यीशु मसीह बदरू का बायोडाटा नहीं मांग रहा, यीशु मसीह बदरू का रेज्यूमे नहीं मांग रहा, यीशु मसीह बदरू का नाम नहीं पूछ रहा, यीशु मसीह बंदे का नाम पूछ रहा है। बंदा ऑब्सेस्ड है, बंदे की सोल शैतान के कब्जे में, वो बोल ही नहीं पा रहा है। तो बदरू बोलती है, बड़ी बदरू कहती है माय नेम इज लिजियन, फिर सारी बोलती हैं इकट्ठी, वी आर मैनी। जरा सोचें उस बियाबान के अंदर क्या नजारा हुआ होगा। तो यीशु मसीह क्या करता है, उन बदरुओं को निकालता है और बंदे को आजाद करता है। और लिखा है बंदा राइट माइंड में बैठा होता है, सोफ्रोनियो ग्रीक वर्ड है, सोफ्रोनियो सोबर, जहां से वर्ड निकलता है, द मैन बिकेम एब्सोल्युटली सेन, सैनिटी रिटर्न टू हिम, द मैन बिकेम 100% जेंटलमैन। कपड़े पहन के यीशु मसीह के चरणों में बैठा हुआ है, हालेलुया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने इस बंदे के अंदर से बदरू निकाल दिए, बल्कि वो बदरू जिसने इसकी सोल पे कब्जा किया हुआ था। हालेलुया। ही बिकेम सोफ्रोनियो, सैनिटी आ गई उसके अंदर, सोब्राइटी आ गई। क्या थी इलनेस उसकी? पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया, डिसलोकेटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, सीवियर बायपोलर। अगर उस बंदे को डॉक्टर के पास लेके जाते और डॉक्टर उस बंदे का डायग्नोसिस करता साइकेट्रिस्ट, तो ये रिपोर्ट लिख के देता कि भैया ये जो बंदा है ही हैज़ पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया,
He has dislocative identity disorder. He has borderline personality disorder. And he has severe bipolar disorder. And there is nothing much we can do. We can only give him tranquilizer. We can only sedate him. Let him sleep most of the time. ये इलाज है मेडिकल साइंस के पास. हालेलुया. मेडिकल साइंस चंगा नहीं कर सकती मेंटल डिसऑर्डर को. सुन रहे हैं आप मेरी बात? हालेलुया. हालेलुया. थैंक यू जीसस. तो मैं एक और सेशन करूंगा जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा, कैन बिलीवर्स बी परसिक्यूटेड ऑप्रेस्ड बाय डीमंस और नॉट. जो कि मैंने सुना ना, वो प्रीचर प्रचार कर रही थी कि अगर ये चीज होती तो लानत तुहाडे उत्ते, अगर अभी भी ये होता तो लानत तुहाडे उत्ते. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ओरिजिनल असली कलाम में लिखा क्या है, वचन का ओरिजिनल परस्पेक्टिव क्या है. दैट इज व्हाट आई वांट टू शेयर विद यू. और मैं एक और सेशन करूंगा जिसके अंदर हम और स्पिरिट रेलम के अंदर घुसेंगे, और कौन कौन सी रूहें, कौन कौन सी बदरूहें, कैसे कैसे, कहां कहां, क्या क्या काम करती हैं, उसके विषय में हम और स्टडी करेंगे. हालेलुया. थैंक यू जीसस. तो मैं एक और सेशन करूंगा. आज मैं एक जगह मीटिंग लेने के लिए जाऊंगा, तो थोड़ा ट्रैवल भी करना पड़ रहा है, एंड आई एम कीपिंग बिजी. And I'm not getting, getting only 3 hours sleep. तो प्रार्थना कीजिएगा मेरे लिए प्लीज, सो दैट आई स्टे हेल्दी, स्ट्रांग एंड मेंटली अलर्ट एंड स्पिरिचुअली फिल्ड विद द होली स्पिरिट. हालेलुया. तो भाई और बहनों, मैं साइकेट्री का भी अध्ययन करता हूँ, मेडिकल साइंस का भी अध्ययन करता हूँ, मैं साइंस भी उसका भी अध्ययन करता हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, आई स्टडी दैट, आई स्टडी जेनेटिक साइंस, आई स्टडी डीएनए, आई स्टडी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, आई स्टडी आर्कियोलॉजी, आई स्टडी स्पेस टेक्नोलॉजी. मैं सभी विषयों का अध्ययन करता हूँ, और अपना लाइफ का क्वालिटी टाइम मैं ओरिजिनल टेक्स्ट हिब्रू, ग्रीक, लैटिन के अंदर डिवोट करता हूँ, और तब प्रभु ये खजाने मुझे देता है, मेरी आत्मा में डालता है, जो मैं आपके साथ बांटता हूँ. हालेलुया. तो इन्हें ग्रहण करें, अपनी लाइफ में अप्लाई करें, और प्लीज प्लीज दूसरों के संग शेयर करें. ये जो मेरे ऑडियो मैसेजेस हैं, प्लीज अपनी फेसबुक पे शेयर करें, कोई ऐसे ग्रुप है वहां पे डालें, ताकि ये कलाम लोगों तक पहुंचे. प्लीज इसे दूसरों तक स्प्रेड कीजिएगा. और मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हम लोग जो ऑपरेशन अहावा, जो जेम्स यकूब की पत्री 1:27 पे आधारित है, विधवाओं, अनाथों और गरीबों की सुधि लेना, वो काम हम कंटिन्यू कर रहे हैं. विधवाओं के लिए वार्म ब्लैंकेट्स, गर्म कंबल, रजाइयाँ, गर्म कपड़े, बच्चों के लिए शूज़, जूते, अभी कुछ बच्चों की स्कूल फीस उतारी मैंने कल, कुछ बहुत गरीब बच्चे, कुछ ऑर्फन भी हैं उनमें से, अभी 3 और ऑर्फन बच्चों को हमने अडॉप्ट करना है. तो प्लीज़ सो कीजिएगा, खुदावंद जैसे आपको आशीर्वाद दे, आप इन कामों के लिए दीजिएगा, जो भी प्रभु आपसे कहता है वो जरूर डालिएगा, दीजिएगा, ताकि हम प्रभु के कामों को और आगे बढ़ाते जाएं. हालेलुया. और आज प्रार्थना में रहिएगा. मैं अभी एक सभा के लिए जाऊंगा, और उसके बाद मुझे ट्रैवल करना है, फिर दिल्ली में मीटिंग्स आ रही हैं, तो आप प्रार्थना कीजिएगा. हालेलुया इन सब बातों के लिए. और मैं वंडर ऑफ डीएनए, उसके ऊपर इतने गहरे प्रकाशन खुदा के रूह ने मुझे दिए हैं, परहैप्स दे आर रियली रियली यूनिक ऑल ओवर द वर्ल्ड. आई मीन ऐसे मैं बता रहा हूँ आपको, मैं घमंड से नहीं कह रहा हूँ ये बातें. तो वो हम कंटिन्यू करेंगे सब्जेक्ट, और डीएनए के ऊपर परमेश्वर ने मुझे कहा कि एक सेमिनार किया जाए, डीएनए एंड द वर्ड ऑफ गॉड, कैसे डीएनए को रीसिक्वेंस किया जाता है, इसके ऊपर हम अध्ययन करेंगे, और एक सेमिनार का पूरा मटेरियल प्रभु यहोवा ने मुझे दिया है. हालेलुया. तो प्लीज़ आप इन बातों के लिए प्रार्थना कीजिए, और जो प्रभु आपसे कहे, प्रभु की आत्मा की आवाज़ को सुनना है, तो आप ज़रूर बोइएगा प्रभु के काम के लिए. प्रभु आपको बरकत दे. सबको जय यीशु मसीह की.